आज का महानगर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के पास देर शाम तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी ई रिक्शा और ठेलों को रौंद दिया है। दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं दर्जनों से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का लाइव सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, वहीं एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा और बाइक व ठेलों को दूर तक डंपर रौंदता हुआ ले गया था। मौके से डंपर चालक फरार हो गया था, वहीं पुलिस डंपर को कब्जे में ले लिया और थाने ले जाकर सीज कर दिया था। पूरा मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र के महादेव चौराहे का है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण रोहित मिश्र ने बताया कि डंपर द्वारा एक्सीडेंट की घटना हुई है, फिलहाल कार्यवाही शुरू हो गई है और डंपर को कब्जे में ले लिया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिबाई कस्बे में 18 दिसंबर की शाम को एक ट्रक बहुत तेजी से आया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बाकी 12 से 13 लोग घायल हो गए। अभी जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। उसमें एक व्यक्ति अलीगढ़ का निवासी था और एक डिबाई क्षेत्र का ही था। घायलों का प्रॉपर इलाज कराया जा